Hello, I'm Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society. Though she might succeed in bringing him to Islamic way of living, yet when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मजहब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान खवातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियां हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत, भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन के पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिमा, मुस्लिम औरत, कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द, भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में इररिस्पेक्टिव वेदर द मुस्लिम इज अ गर्ल और अ बॉय, व्हेन दे मैरी द ऑपोजिट पार्टनर शुड बिकम अ मुस्लिम। इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिर्क नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी, अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जन्नत में जाएगा तो कैसा शोहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ, आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्ना। हम जब कहते हैं हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के, इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।